हेलो दोस्तों, मैं काजल वेलकम करती हूँ आपका सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज भी हम हमेशा की तरह छोटी सी कहानी लेकर आए हैं जो आपके एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी कि सही में हम सबके साथ लाइफ में ऐसा होता है। तो दोस्तों, इसे अंत तक ज़रूर सुनें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि सच में ऐसा ही होता है हर किसी की लाइफ में। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है, किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट दिया करता था और अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसे किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के पास गया तो देखता है कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने अपनी कॉपी नीचे रखी चाही, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी और होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिखा था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया। मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बड़ा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इनके बाद छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये दवाई कड़वी लगती हैं लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जागने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है लेकिन वे मेरे लिए जब खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे को होमवर्क पढ़ने के बाद व्यक्ति जैसे उस अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन, उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा है कि मैं उन सबको बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यही कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई और उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसे माथे से चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने भी जो परेशानियां हैं, हम जब भी उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे
तब तक हम परेशानियों में घिरे रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम उन चीजों को उन्हीं परिस्थितियों के सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के नए नए रास्ते दिखने लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सच में ऐसा ही होता है हर किसी के साथ। तो अपने आने वाली मुसीबतों को नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव सोचें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।